हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ना मैं अभी वॉक से आई थी और ना मुझे व्लॉग भी शुरू करना था मेरे दूसरे चैनल के लिए, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जैसे होता ना कि जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं और भी यूट्यूबर को देखती हूँ और एक ये कपल की जो सामने आ रहे थे कि उनकी लाइफ में थोड़ी अनबन होगी, हो जाती है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि एक लेडी को सबसे ज़्यादा जब वो शादी करके आती है उसे रिस्पेक्ट चाहिए होती है। भले उसका जो होता ना कि घर में नए घर में आती है, थोड़ा ऐसा वैसा वो सभी सहन कर लेती है, पर जब उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, वो नहीं, तो कभी ना कभी होता है कि कोई बात नहीं है, रिस्पेक्ट आज नहीं तो धीरे धीरे जैसे होगा तो रिस्पेक्ट भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे होता है कि हम रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट लेंगे भी, है ना, वो चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताती हूँ कि जब आप उस पे ना उसके करेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं तो वो घर कभी नहीं बसता, कभी भी नहीं। जो भी पास्ट है, जहाँ कुछ भी है ना, उसे बार 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 सामने ला के कि जिसके मैं बात कर रही हूँ ना, उस लड़की ने पहले अपना जो पास्ट था ना, शीशे की तरह क्लियर था, सोशल मीडिया पे क्या था क्या नहीं था, और चलो धोखा बोल दिया कि धोखा मिला उसे, और उसके बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। जब लड़की एक ना लाइफ में आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ सोच समझ के आगे बढ़ती है, वो जो पीछे हुआ होता ना बिल्कुल भुला देती है कि नहीं ना। तो वही पास्ट आप बार बार सामने लेके आते हो उसका, वो पास्ट ही नहीं और भी ज़्यादा उंगलियां उठा रहे हैं उसके करेक्टर पे, ये थी वो थी, है ना। तो साफ साफ बोलो जो भी बोलना चाहते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे लोग ना यहाँ से वहाँ से वीडियो डालते रहते, मैं उन पर बिलीव नहीं करती कि लोग मिर्च मसाला लगाते हैं और व्यूज़ के चक्कर में ये चीज़ करते, लेकिन ये चीज़ तो कानों से सुनी है। कुछ वीडियोज़ ऑडियो क्लिप्स हैं जिसके साथ उसने बात की, उसके हस्बैंड ने, और गंदे तरीके से बात की और अपनी वाइफ के बारे में, कि उसका पहले का तो पता था और दूसरे बाकी के बारे में नहीं पता था। अब वो एक बच्चे की माँ है जिसके बारे में आप बात कर रही हो, तो ऐसी चीज़ें ना करें। तो बस यही था, पहले आप ये सुन लें, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। प्लीज़ अच्छे अच्छे व्यूज़ लिखना कि अगर वो भी ये वीडियो देखें तो, बहुत ज़्यादा उन्हें लिखते भी हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्यों नहीं आता। मुझे भी ऐसा लगता था कि घर बसाना चाहिए, ये वो ना क्यों कर रहे हैं ये ऐसे, कि शादी के थोड़े एक डेढ़ साल ऐसा चलता है, थोड़ा थोड़ा हम समझना शुरू हो जाते, पर इतना टाइम नहीं होता कि एक बच्चा भी हो जाए। लेकिन जब औरत के करेक्टर पे उंगली उठाई जाती है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ मुझे पता चली, खुल के सामने आई, और जो पर्सन ने ऐसे मखोटा पहन के रखा था ना, उसका वो उतर गया, वो सामने क्लियर हो गया। मैं भी उसे बहुत अच्छा समझती थी कि नहीं नहीं वही गलत है, ये तो बहुत सही है, लेकिन पहले आप भी ये सुन लें और बाद में कोई भी डिसीजन देना। तू सोशल मीडिया तो क्यों बोलती पई है कि तू अपना बाप है था आज ही जन्मदिन ते आज ही, जो तेन मैं पता है तेनों प्रोसैस वाली गल की, फिर तेन इनविटेशन क्यों दी पी, फिर भी मैं तो रुकया नहीं गया, मैं 12 तरीक नु गया मैं। और रहा बच्चा, बच्चे को मेरे से दूर किया जा रहा है, अगर बात किसके ऊपर फेंक देनी कि ये खुद ही नहीं करता। हुआ पता क्या कि मैं खुद नहीं करता, पता क्यों, जब बंदे को जलील कर देना इतना कि उसकी हिम्मत ही नहीं बढ़नी कॉल करने के लिए, पता नहीं क्या जवाब मिलेगा, और इनके पास जवाब होगा कि ये तो खुद ही नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने किया, फिर बात नहीं करवानी है ना, जब करवा दी तो फिर थोड़ा सा इग्नोर करना है ना। डाइवोर्स के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है। और दूसरा रहा बात कि अभी मेरे जो अगले के बच्चे के लिए होंगे कि कम से कम बच्चे के विजिटिंग राइट्स लेंगे, लेकिन होता क्या है कि अगर मैं कोई भी एक्शन लूंगा तो ये मेरे को उल्टा फंसा देंगे झूठे किस्सों में। जैसे लेकिन वो यूट्यूब कर रही हूँ, चाहे अपनी मेहनत से कर रही हूँ, मैं प्रीति को वही बोल रहा हूँ कि अपनी आइडेंटिटी मत छोड़, तू अपना स्टैंड रख। मैं उसके फेवर में बोलता हूँ, अगर वो खुद ही नहीं रखना चाहती, उसको इतना दबाया हुआ है कि अगर तू यूट्यूब कर तुम्हारी बहन की वजह से कर रही हूँ। मैंने कहा देख, तुम्हें
ठीक है बहन ने दिया है उसका तो क्रेडिट रख, लेकिन ये थोड़ी ना कि तू अपने लाइफ के डिसीजन ही ना ले पाए कुछ भी, अपना अच्छा बुरा कुछ ही ना समझ पाए, कि उसके तरीके से ही उसको फॉलो करे। वो तेरे को हर बार यही दबाए, अगर तू पैसे कमा रही है, तू व्यूज़ कमा रही है, तू अपनी आइडेंटिटी रख, तू अपनी मेहनत कर रही है, मैं उसके लिए ये लड़ा, लेकिन उसने अपना स्टैंड रखा, उसने हमेशा उनके फेवर में बोला, अपने लिए इतना अपनी लाइफ जंड करवा ली, उस साथ में अपनी तो करवाई, मेरी भी करवाई, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी फैमिली इसके साथ है, इसकी गलत काम है। लेकिन मेरी माँ परेशान है, चाहे हम दिखते नहीं हैं, हम बोलते नहीं, हम बीक पढ़ते नहीं दर्द में, लेकिन अंदर से इफेक्ट करते हैं। प्रीति भी इफेक्ट है, प्रीति भी इफेक्ट है, लेकिन इसको अपनी ईगो हर्ट होगी, इसकी नहीं इसके जीजे की। उन्होंने आप तो अच्छे बन रहे हैं कि हम तो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वहीं पर रुकी हुई है। और भाई जो इनका उनका साथ देता है, और भाई मेरा दोस्त था, मैं उसको समझ नहीं पाया, लेकिन ये कह रहे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ खाने के कुछ, वो है ये लोगों के सामने कुछ है, लेकिन ये चारों पांचों लोग अंदर से कुछ हैं। और एक बात बताऊं, चलिए मैं बोलना नहीं चाहता कुछ चीज़, मैं और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके अपने कमेंट सेक्शन में फेक आइडियो से मेरी माँ बहन के लिए अगर कुछ गलत मैसेज आते हैं, वो आप डिलीट कर दें। मत रखिए, क्योंकि वो जो चीज़ें आती हैं वो इनके, और मैं ये भी नहीं कहता कि वो 100% ये है, लेकिन उसमें कुछ लोग भी होते हैं जो लड़ाइयाँ डलवाते हैं, लेकिन कभी कभी ना बहुत पर्सनल बातें होती है, जैसे आपके कमेंट सेक्शन में आई है, मैंने खुद देखी है, तो वो मिलती जुलती थी, वो कोई बाहर का बंदा नहीं होता, वो खुद ही होता है इसका मतलब। और मैंने आज तक ना ये काम किए, और इनका मैं 100% कन्फर्म हूँ, क्योंकि पिछला केस जो अमन का था तो उसने भी मेरे को बताया था। और हाँ, अगर आपको कुछ और जानना है इसकी फैमिली के बारे में, तो आप उनसे भी कंसर्न कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं किया, लेकिन वो क्यों, क्योंकि मेरा रिश्ता हो चुका है, मैं अब बात क्यों करूँगा, लेकिन एक लेवल पे मैंने की भी थी थोड़ी सी बात, क्योंकि उसके बाद नहीं की, क्योंकि बहुत कुछ मेरे को पता चली से बातें, अब तो चलो मेरी वाइफ है। वो बंदा परेशान है, गंद रख रहे हैं कि अनबीज उसका बच्चा है, उसका बच्चा है, इतने रिश्तों को गलत बता रहे। और आपको ये भी बात बता दूँ, ये सोच किसकी है, ये मैं 100% कन्फर्म हूँ, ये मेरे को पर्सनली भी बोला जाता था, क्योंकि मतलब कि देखो वो लड़का कैसे मेंटली टॉर्चर हो। ये चैनल मतलब कि मैक्सिमम चैनल मेरे फेवर में बोलते हैं, उन्होंने क्या है कि एनालिसिस किया हुआ है कि सारी वीडियोस का कैसे कैसे कहाँ पे क्या गलती है, तो वो अपने रिएक्शन देते हैं, वहाँ पे मल्टीपल फीमेल्स है, और आप बिल्कुल मेरे गेस्ट देते हैं, तब शायद मैं भी वहाँ से उठ के वहाँ पे आपके यहाँ जाते हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल आपका चैनल नहीं देखता था, क्योंकि एक दो बार मैंने वीडियोज़ देखा मेरे गेस्ट थी, तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे को मेंटली हरासमेंट होती थी। और ठीक है, हाँ आप अपने लेवल पे इनसे बात कर सकते हो, ठीक है, और वो जो रिएक्शन देते, वो एक ही थोड़ी बहुत सी ऐसे चैनल है रिएक्शन जो मेरे फेवर में बात करते, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया है, और मैंने अभी तक बोला भी कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे आपके साथ अभी बात हुई है, ऐसे बस एक बार किसी और के साथ हुई है, हाँ आगे शेयर हो जाती होगी अपने आप बातें, क्योंकि मैंने अपना पक्ष रखा था जब मेरे को लाइव करके इन्होंने इंसल्ट किया था, तब मैंने हुआ था, तब उसके बाद ये अपने आप जैसे फीमेल कम्युनिटी होती है आपस में आगे बढ़ गई होगी बातें, है ना, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, और ना ही मेरी फैमिली को कोई रिलेशन रिश्तेदार कोई इसमें इंक्लूड है। और दूसरी बात, जो सिस्टर के आप खुद सोचो, हमारी फैमिली में जो रिश्ता हुआ था वो हो गया था फैमिली में, मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ कि वो ब्रेक किया था, वो एक जेन्युइन तरीके से एक रिश्तेदारी के तरीके हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और एक होते हैं रिश्ते ना वो कोई सोशल मीडिया पे जो हमारे पास है, बस मैंने पर्सनल बात की थी, जैसे मेरे से शादी करनी है, उसने बोला कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने जस्ट एक ऐसी बात की, तो उस बात को इतना बड़ा हथियार बना के आपके पास पहुंची है, मेरे को नहीं पता कैसे पहुंची है कैसे नहीं पहुंची है ना, और आप कह रहे प्रूफ भी हो, तो मैंने उसको फोटो भी शेयर किया था, है ना, उसके पास था, तो आपके पास डायरेक्ट है और तो किसी के साथ नहीं है ना, हो सकता है कि कुछ फीमेल कम्युनिटी ने आपको वहाँ पर जाके बोला भी हो, तब खुद सोचो कि उस रिश्ते का हमारी लाइफ से क्या कंसर्न है, वो तो उंगली तो उठेगी ना फिर, और ठीक है आप बोल रहे हो उस रिश्ते को, वो तो तब है ना कि हमने कोई बात बोली हो या उसको ऐसे टीचर की हो, शादी हुई है हशरे में हमें पता था उसका रिश्ता पहले था, हमने शादी की है, लेकिन एक का पता था कि उसके साथ हुए, तो मेरे को पता था कि ये था, लेकिन आगे बातें बहुत सी निकलती है, लेकिन कभी भी आज भी हम मना नहीं करते, मैं पास्ट को छेड़ने नहीं जाता हूँ, लेकिन अब बंदों की तरह प्यार से तो रहे, मैं मना नहीं करता, आप बच्चे के लिए बोल रहे हो कि बोलना चाहिए, ठीक है दूर भी तो उसने किया ना, मेरे को इतना हेट फैला है, तो ठीक है मैं बोलूँगा, बच्चा मेरे पास आ जाए बोलूँगा मैं उस वक्त,
और बार बार खर्चे के लिए आप बोल रहे हो, भाई खर्चा कोर्ट के थ्रू लगेगा, ऐसे किसी के कहने से नहीं लगेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ देने के लिए, एक होता कि बंदा प्यार से जाता है ना, चलो कोई बात नहीं देता है, एक तो बंदा वहाँ पे जाके इंसल्ट कर रहा है डे बाई डे, है ना, बच्चे को भी दूर कर रहा है, मिलने नहीं दे रहा किसी ना किसी तरीके से, खर्चा भी ऐसे थोड़ी ना होता। ऐसे तो फिर मैं लग गया ना, मैं तो खर्चा देता रह गया, मैं तो पिस जाऊँगा, मैं तो भर जाऊँगा। एट द एंड क्या होगा कि मैं सोचूंगा यार मैं तो लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ, मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए, मैं तो फंसा रह गया इसमें, बच्चे से भी दूर, वाइफ से भी दूर, खर्चे भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा कमा रही है उससे, उससे नहीं अपनी मेहनत से कमा रही है, वो उससे भी कमा रहे, उससे भाई बहन कमा रहे, एक स्टोरी बना रहे, बुरा बोल रहे थे मेरी बहन को शादी वो लेके आए उसका। पहले आप खुद बताओ, मैं खुद पूछता हूँ आपसे कि उसका उसका आपकी बात में क्या लॉजिक है। अब मेरी बुराई करो, मेरा कंपैरिजन करो, ठीक है आप कंपैरिजन कर रहे हो दोनों का करो, अगर कोई चैनल उनका कंपैरिजन कर रहा है तो वो उनका कर रहा है ना, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, तो मैं किसी को रोक नहीं सकता किसी भी चैनल को। अगर बाकी वो होते खर्चे, मेजर खर्चे, लाखों रुपए महीने के दो दो ढाई ढाई लाख रुपये कमा रही है, क्या एक 5,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकती। अब खर्चा लगेगा जब कानून के तरीके से दोनों को लगेगा, आधा मेरे को लगेगा आधा उसको लगेगा, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर मेरे पास होता तो यहाँ पे सारा कुछ मैं ही कर रहा, माँ जो कर रही है ठीक है, जो हस्बैंड करेगा तो वो करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता वहाँ पे जाके। ऐसे तो आपको लगता है वो तो उन्होंने कर ली ना बात, जिसको बुरा लग रहा। अब मेरे देखो मेरी माँ बहन के लिए आप बुरा बोल रहे थे, है ना, तो मैंने आपसे बात की ना कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, अब जिसको कहीं पे बुरा लग रहा है तो वो बात करेगा ना, जिसको दुख होगा। अब मेरे को दुख हो रहा है तो मैंने आपसे बात की, ठीक है आपको बोलना है मेरे ऊपर बोलिए, माँ बहन के ऊपर मत बोलिए, और मैंने अपना पक्ष भी रखा। अगर उनको लग रहा है कि वो बातें झूठी है तो बोले ना वहाँ पे जाके, नहीं बोल सकते क्योंकि सॉलिड प्रूफ होंगे उनके पास वो। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत सी चीज़ें पता चली है। देखिए वो झूठ है और कुछ नहीं, आप टारगेट कर रहे हो किसी को, वही जो वो फिर ऐसे करेगी, वो सुसाइड करेगी कंचन, अभी फिर सबको यकीन हो जाएगा कौन क्या करेगा। वो इतनी परेशान हो चुकी है, इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है,